नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वज्जानम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्य जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुनकुन आचार्य भगवान द्वारा रचित यह नियम सारजी परमागम एवं पद्म प्रमल धारीदेव द्वारा उनकी टीका एवं पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस मंगलमय परमागम की 50वीं गाथा के ऊपर में मंगलमय प्रवचन। शुद्ध भाव अधिकार में शुद्धात्मा कैसा है, उपादेय तत्व कैसा है, आदर करने योग्य तत्व कैसा है, सत्कार करने योग्य भगवान आत्मा कैसा है और इसकी दृष्टि किस तरह से की जाती है, उनका स्पष्ट विधान है। अपना भगवान आत्मा त्रिकाल स्वस्वभाव है और वो मैं हूँ ऐसा दृष्टि होते ही जैसा भगवान आत्मा वैसी अनुभूति हो जाती है। ये भगवान आत्मा की दृष्टि अनादिकाल से जीव को नहीं हुई, मिथ्या तो अनादिकाल से रहा हो कैसे टले और संकीति कैसे हुआ जाए, उसका विधान इस मंगलमय गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने बताया। आचार्य भगवान ने बताया और पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बात को अत्यंत स्पष्ट किया कि प्रभु तू त्रिकाली नाथ अंदर में विराजमान है, विराजित है। जो भगवान आत्मा अंदर में विराजित है वो तू है। तू कभी एक समय की पर्याय में नहीं आया, उस पर्याय की दृष्टि छोड़कर, पर्याय में अपनापन छोड़कर, पर्याय का ममत्व छोड़कर, एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो अंदर में विराजित है उसकी दृष्टि कर और उनकी दृष्टि में जो दृष्टि करना और उत्पाद व्यय रूप वाली पर्याय है वो भी है ही है, उपेक्षा करने योग्य है, वहाँ से लक्ष्य हटा दे प्रभु। परिणाम परिणाम में है ऐसा भी मत देख, परिणाम है तो परिणाम में लेकिन वो देखना बंद कर, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुले हुए द्रव्यार्थिक चक्षु द्वारा द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि दे, वो दृष्टि देते ही सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा। ऐसा सरल सुगम सहज विधान को विशेष स्पष्ट करके पूज्य गुरुदेव श्री यह फरमाते हैं कि एक तो सर्वप्रथम पर्याय को है ही कहा, कौन सी पर्याय को, चाहे बंध की पर्याय हो चाहे मोक्ष की पर्याय, दोनों ही पर्याय है ही ऐसा कहा। अब उसका कारण बतलाते हैं, है क्यों कहा, किस कारण से उसको है कहा, कारण क्या है। भगवान आत्मा उपादेय है और पर्याय है ही है तो है का कारण क्या है, वो कारण यह कहते हैं कि कारण के तो वो पर स्वभाव है, ये दूसरी बात है ही कहा वो प्रथम बात और वो पर स्वभाव है वो दूसरी बात। एक तो है ही कहा, मोक्ष और बंद पर्याय दोनों को है ही कहा, कारण क्या, हे का कारण कि वो पर स्वभाव है, वो त्रिकाली स्वभाव नहीं है,
मोक्ष भी एक समय की पर्याय है और भगवान आत्मा है वो त्रिकाली स्वभाव। 305 नंबर का प्रश्न का अंतिम पैराग्राफ है। त्रिकाली स्वभाव नहीं है, ये सनातन सत्य है। भगवान आत्मा जो है, त्रिकाली स्वभाव जो है, ये सनातन सत्य है और परिणाम क्षणिक सत्य है। परिणाम है क्षणिक सत्य, लेकिन भगवान आत्मा त्रिकाली स्वभाव है और सनातन सत्य है, जिसमें कोई पलटना नहीं है, उत्पन्न होना नहीं है, पलटना नहीं है, बदलना नहीं है, ऐसा ये सत्य है, एक रूप रहने वाला सत्य है। त्रिकाल की अपेक्षा से देखा जाए तो ये त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सनातन सत्य है, परम सत्य है, स्वाभाविक सत्य है। और इस सत्य की अपेक्षा से, इस त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, भगवान आत्मा की ओर से देखा जाए, भगवान आत्मा में बैठ कर देखा जाए, उसमें प्रसर कर देखा जाए, तो ये जो केवल ज्ञान आदि की जो पर्याय जो है वो पर स्वभाव है। प्रभु, एक बार इस केवल ज्ञान की पर्याय को पर स्वभाव जान और मान, तूने पर्याय को एक क्षण के लिए भी पर नहीं माना। तुझे लगता पर्याय में तेरा अपनापन इतना है, अहम इतना है, एकत्व इतना है, ममत्व इतना है कि तू सम्यक दर्शन की पर्याय को अपनी समझता हो, रागी मैं हूँ ऐसा समझता तू। लेकिन प्रभु, आत्मा में कभी राग होता ही नहीं, राग तो पुद्गल स्वभाव है और जो पुद्गल का स्वभाव है उसको जीव का विभाव कहकर मानकर तू परेशान हो रहा है। जो पुद्गल का स्वभाव है उससे तुझे क्या लेना और क्या देना आता है, उसको टालने का प्रयत्न तूने अनादिकाल से किया, लेकिन ये तेरी वस्तु नहीं है, तेरी चीज नहीं है। अब जो तेरी चीज नहीं है, निश्चय से जो पुद्गल के परिणाम है, अब निश्चय से राग पुद्गल के परिणाम है, तो उसका अभाव करके उत्पन्न होने वाले वितराग के परिणाम जो है वो भी पर स्वभाव है, वो तेरे में नहीं है, तू नहीं है, तेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है। न राग से तुझे कोई संबंध है, यानी कि न तो बंध से तुझे कोई संबंध है और न तो विशुद्धता से, शुद्धता से, केवल ज्ञान से तुझे कोई संबंध है। तू तो अनादि सनातन सत्य वस्तु है। तूने अपने आप को ऐसा नहीं जाना कि मैं त्रिकाली सनातन सत्य वस्तु हूँ, मैं परम सत्य वस्तु हूँ और जिसके अंदर में पलटना नहीं है, बदलना नहीं है, ऐसा सत्य मैं हूँ। ऐसी किसी वस्तु मैं हूँ एक बार सुन तो सही भैया, कि तेरा स्वभाव त्रिकाल सनातन सत्य वस्तु, भगवान तू परमात्मा वस्तु है। ये मुक्त की अवस्था जो है वो एक समय की पर्याय है, जैसे बंध की पर्याय एक समय की है, ऐसे मुक्त की पर्याय एक समय की है। संसार एक समय का और मोक्ष भी एक समय का, ये दोनों का आयु एक समय है, जबकि तू त्रिकाल रहने वाली चीज है। अब इसकी तुलना करे तो कहाँ करें, जिनका आयु एक समय है, क बोलते असंख्य समय चला जाए, ऐसी सूक्ष्मतम सूक्ष्म एक समय की पर्याय, और कहाँ त्रिकाली सनातन सत्य ऐसा परमात्म तत्व, ऐसा स्वस्वभाव, ऐसा तू, ऐसा तू के साथ में हम इस पर्याय की तुलना करें तो कैसे करें, क्या तुलना करें। एक त्रिकाली समुद्र और एक बिंदु से भी कम, अब इसकी तुलना करो। अब तुझे बिंदु दिखता, समुद्र नहीं दिखता, भगवान आत्मा नहीं दिखता, परम तत्व, परम पारिणामिक तत्व, जिसके अंदर में ये जो चार भाव, उदय उपशम स्वयंसम और साइक, ये चार भाव पर स्वभाव है प्रभु, ये तेरे स्वभाव नहीं है, तू नहीं है। और पर स्वभाव जो होते हैं वो पर द्रव्य के पर स्वभाव होते हैं। स्वद्रव्य के स्वस्वभाव को देखा जाए तो बस तेरा वैभव अनादि अनंत जो एक रूप है वो तू है, वो तेरा वैभव है। और परिणाम है ही है, सत्य की अपेक्षा, त्रिकाली भगवान आत्मा की अपेक्षा, ये केवल ज्ञान आदि भाव जो है वो पर स्वभाव है। ही तो कहा, लेकिन है का कारण कौन, क्या कारण, तो कहते हैं कारण यह है कि वो पर स्वभाव है। एक की एक बात दोहरा कर गुरुदेव श्री इस बात को पक्की करवाते कि प्रभु तू एक बार तय कर कि एक समय की पर्याय जो है वो पर स्वभाव है, वो तू नहीं है, वो तेरा भाव नहीं है, तेरे में से आने वाला भाव नहीं है, तू तो अपरिणामी तत्व है।
और अपरिणामी जो तत्व होता है उसका लक्षण भी अपरिणामी होता है। तू अपरिणामी और परिणाम तेरा लक्षण नहीं है, तेरा लक्षण अपरिणामी है। परम पारिणामिक भाव तेरा लक्षण है। पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में है, लेकिन तेरा परम पारिणामिक भाव है जो और कहीं पाया नहीं जाता। अरे परम पारिणामिक भाव तेरा लक्षण है। तू अपरिणामी चीज, अपरिणामी वस्तु और तेरा लक्षण भी अपरिणामी। परिणाम की ओर मत देख, परिणाम की ओर मत ताक, क्योंकि ये जो परिणाम जो है वो है क्षणिक और उसके लक्षण भी क्षणिक है। और तू त्रिकाली है और तेरा लक्षण भी त्रिकाली है, तो और क्या चाहिए? तेरा लक्षण और लक्ष्य दोनों ही त्रिकाली, वस्तु त्रिकाली और उसका लक्षण भी त्रिकाली। ऐसी वस्तु तू है, ऐसा वैभववान तू है कि जो स्वभाव से त्रिकाली है और उनका लक्षण भी त्रिकाली है, है ना? 320वीं गाथा में जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर सहज परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ। एक खंड खंड ज्ञान वो मैं नहीं हूँ। खंड खंड ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक खंड खंड ज्ञान है, और मैं अखंड ज्ञान एक रूप हूँ, सदा त्रिकाल एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ। तू उसको अपना मान, तू ऐसा प्रभु है, तू परमात्मा प्रभु है, तू परिपूर्ण प्रभु है, नाथ सनातन सत्य वस्तु तू है, तू परमेश्वर है, अनादि अनंत परमेश्वर है। तुझे ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है, तू बना बनाया ईश्वर है। अब जो बना बनाया ईश्वर है वो तू है प्रभु। एक बार उस परमात्म तत्व की ओर देख, परमात्म तत्व में अपनापन कर। प्रभु केवल ज्ञान पर स्वभाव, पर स्वभाव है। हाँ अरे प्रभु केवल ज्ञान पर स्वभाव, गजबवाद भाई। देखिए गुरुदेव श्री को भी भगवान आत्मा की बात करते हुए गजब बात ऐसा अंतरंग से आता है। प्रभु तू परमात्मा स्वरूप है ना, ये केवल ज्ञान है ना, वो पर स्वभाव है, नाथ पर स्वभाव है। तू केवल ज्ञान की ओर मत देख, तू स्वयं ज्ञानमय वस्तु है, तू स्वयं परमात्मा वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, परमेश्वरी वस्तु है प्रभु। तूने अपने स्वभाव को नहीं देखा। यदि अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करता तो तुझे बात समझ में आती कि हम जो कह रहे हैं वो बात परम सत्य है। हम जो कह रहे हैं ऐसा हम अंदर में देख कर कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करके कह रहा है, और तू भी ऐसा मान और ऐसा देख एक बार, तो तुझे भी ऐसा ही दिखेगा जैसा हमें दिखा। जो चीज़ अंदर में देखकर हम तुम्हें ये बतलाते हैं, तुम भी अंदर में देख ऐसा विश्वास करके एक बार हमारी बात का विश्वास कर, भरोसा कर और देख अंतरंग में, तो तुझे भी ऐसा ही भगवान आत्मा दिखेगा। कैसा दिखेगा? त्रिकाली सनातन सत्य परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु दिखेगी, निर्विकल्प मात्र वस्तु दिखेगी। तू तो ऐसा समझता मेरे में विकल्प हो रहे हैं और विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प होना है, लेकिन प्रभु तू वस्तु स्वयं निर्विकल्प है। निर्विकल्प होना नहीं है, न विकल्प तेरे में होते हैं और न विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्पता तेरे में होती है। तो पर स्वभाव है, जहाँ विकल्प होता है वहाँ निर्विकल्पता होती है। तो जहाँ विकल्प होता है वो भी पर स्वभाव, और जहाँ विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्पता होती है वो भी पर स्वभाव। तेरा स्वभाव तो त्रिकाली एक रूप चैतन्य तत्व है प्रभु। एक बार उसकी ओर देख, ये पर्यायी स्वभाव जो है वो पर स्वभाव है और है ही है। गजबवाद भाई, अभी तो विकार को पर स्वभाव मानना उसमें वांधा पड़े। विकार पर स्वभाव? विकार तो स्वस्वभाव थी जैसे, ये तो पर ने निमित्ते विकार थाई छे। विकार क्यों होता है? पर के निमित्त से होता है। ये विकार पर ने निमित्त न थाय तो स्वभाव थी जैसे। यदि विकार पर के निमित्त से न हो तो स्वभाव हो जाएगा, ऐसा वो तर्क करता है। यहाँ कहते हैं कि पर के निमित्त बिना थाय ये उनका विभाव स्वभाव अपना है। पर के निमित्त के बिना निमित्त क्या करे? निमित्त तो अकिंचित कर है, निमित्त के कारण कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा लोग तर्क करते हैं कि यदि आप निमित्त को, विकार को यदि निमित्त से होता है ऐसा नहीं कहोगे तो अपना स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर निमित्त के बिना होता है और वो उसका विभाव स्वभाव है। ये बंद अपना है, बंद की पर्याय की मुद्दत एक समय की है प्रभु। हा भले समयांतर होते होते अनंत काल गया, लेकिन मुद्दत तो एक समय की है। समयांतर में एक समय 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 होते होते अनादिकाल गया, लेकिन उसकी मुद्दत तो एक समय की
है अनादि, लेकिन उसकी मुद्दत एक समय की है। और जब गुलाट खाता है, जब द्रव्य की दृष्टि करता है, तब मुक्ति भी एक समय की है। अब बंद है अनादि से, अब वो गुलाट खाता है कि मैं परमात्मा, वो परमात्मा ऐसी गुलाट खाते ही मुक्ति होती है, वो भी एक समय की पर्याय। बंद था वो भी एक समय का, और अभी जो मुक्ति हुई वो भी, जहाँ मुक्ति होती कैसे है कि द्रव्य की दृष्टि करे। गुलाट कब खाता है? जब द्रव्य की दृष्टि करता है तब वो गुलाट खाता है कि मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसी जब गुलाट खाता है तो कहते हैं कि द्रव्य की दृष्टि करे, त्यारे मुक्ति भी एक समय की। इसलिए उस मुक्ति की पर्याय, जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है वो पर्याय भी है ही है। जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करे, पर का आश्रय करे, उसकी तो चर्चा समाप्त हो गई, लेकिन जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है उसकी भी मुद्दत, उसकी भी आयु, उसका भी पलटना एक समय मात्र में होता है। तो उस पर्याय की दृष्टि छोड़ दे, क्योंकि ये पर स्वभाव है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तू नहीं है, ये तेरी वस्तु नहीं है, ये तेरे में से आई हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपरिणाम में से परिणाम नहीं आते हैं। अपरिणामी तो अपरिणामी रहते हैं, वो परिणाम का विश्व भिन्न है तेरे से। प्रभु उसकी ओर मत देख, उसकी दुनिया अलग, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, उसकी सत्ता अलग। प्रमाण की बात की तो एक सत्ता के दो सत की बात कही, यहाँ निश्चय की बात कही तो दो भिन्न भिन्न सत्ता कही। क्योंकि पर्याय एक ऐसी वस्तु है जिनको अपने बंध रूप परिणमन या मोक्ष रूप परिणमन, बंध रूप परिणमन में पर की आवश्यकता नहीं, और मोक्ष रूप परिणमन के अंदर में द्रव्य उनका कारण नहीं। बंध रूप या मोक्ष रूप वो परिणाम अपनी योग्यता के मुताबिक परिणमती है, उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं। उस परिणाम को तो स्वतंत्र सत्य जान, स्वतंत्र सत्य मान, वो अहेतुक परिणाम है, उस परिणमन का कोई हेतु नहीं है। प्रभु तुझे कठिन लगे, आकरू लागे, गुरुदेव श्री कैसे, तो प्रभु सूं थाए, तो क्या कर सकते हैं हम। अब वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, अब जो पर स्वभाव है उसको कौन करे? आत्मा उस पर स्वभाव को कैसे करे? वो स्वभाव ही तेरा नहीं है। तेरा स्वभाव तो त्रिकाल है, तेरा स्वभाव तो सनातन सत्य है, तेरा स्वभाव तो ध्रुव है, तेरा स्वभाव तो अपरिणामी है, तेरा स्वभाव तो संपूर्ण सत्व जो है, पूरे पूरी जो वस्तु जो है वो तेरा स्वभाव है। ये निश्चय वस्तु जो है, स्वाभाविक वस्तु जो है वो तू है। और ये जो पर्याय जो है वो एक समय की है, चाहे बंद की पर्याय भी एक समय की, और द्रव्य की दृष्टि करके गुलाट खाकर मुक्त रूप हुई पर्याय वो भी एक समय की। अब दोनों का आयु एक समय है, उसकी ओर मत देख। क्यों मत देख? वो पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, जो पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है वो पर्याय भी है ही है, माने पर्याय मात्र है ही है। वो पर्याय के अंदर में राग है कि वितरागता, उसकी ओर मत देख। उस पर्याय के अंदर में विकल्प है कि निर्विकल्प, उसकी ओर मत देख। उस पर्याय के अंदर में बंद है कि मोक्ष, उसकी ओर मत देख। उस पर्याय के अंदर में आश्रव है कि संवर, उसकी ओर मत देख। वो पर्याय मात्र से रहित हूँ तू, ऐसा अपना स्वभाव जो है, त्रिकाली वैभववान वस्तु जो है, परिपूर्ण ज्ञायक तत्व जो है, वो तू है। ये परिणाम मात्र है ही है। हे क्यों है? क्योंकि वो पर स्वभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है, वो तू नहीं है, वो तू नहीं और वो तेरी वस्तु नहीं। जब तेरी वस्तु नहीं तो उसकी ओर क्यों देखता है? अपनी वस्तु तो अपनी वस्तु से बनी हुई चीज़ है, अपना अपरिणामी स्वभाव तो अपरिणामी है। वो परिणाम में कभी आता ही नहीं, चाहे बंध की पर्याय में नहीं आता तो मुक्त की पर्याय में आता कि नहीं आता? तो कि नहीं आता, क्योंकि वो द्रव्य परिणाम को छूता नहीं और परिणाम द्रव्य को छूता नहीं, वो सदा ही अछूता रहता, अस्पर्श्य रहता, ऐसा अपना स्वभाव है। वो स्वस्वभाव को तूने कभी जाना और माना नहीं। प्रभु एक बार अपना स्वभाव को ऐसा मान, इसका विश्वास कर, एक बार हम जैसा कहते हैं ऐसा एक बार तू जान और मान, तो तुझे वस्तु ऐसी ही दिखेगी जैसी हम कहते हैं। उस द्रव्य के अंदर में तुझे पर्याय कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि द्रव्य में पर्याय बसती नहीं है, पर्याय में द्रव्य बसता नहीं है। यदि द्रव्य पर्याय में चली जाए तो पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश हो जाए,
और पर्याय यदि द्रव्य में चली जाए तो पर्याय द्रव्य बन जाए, तो ये स्थिति कभी बनने वाली नहीं है। पर्याय पर्याय में और द्रव्य द्रव्य में, एक दूसरा का कोई भी आदान प्रदान इस दोनों के बीच में कभी होता ही नहीं है। द्रव्य पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है, कर्ता कर्म संबंध तो नहीं होता। निमित्त निमित्तिक संबंध होता होगा कि नहीं होता होगा? निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं होता। ज्ञाता ज्ञेय संबंध होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे प्रभु तू देख तो सही, प्रभु कैसी वस्तु तू है, अकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, अवेदक स्वभावी, अपरिणामी स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, नित्य सनातन सत्य वस्तु जो है, वो एक रूप रहने वाला परमात्मा तत्व तू है प्रभु। ये पर्याय मात्र है ही है, पर्याय मात्र पर स्वभाव है। मत देख उसकी ओर, द्वेष मत करना पर्याय की ओर, लेकिन वो मेरे से भिन्न है ऐसा जान। उनका स्वभाव भिन्न है, उनकी व्यवस्था भिन्न है, उसकी स्वाधीनता भिन्न है। वो अनादि अनंत, उसकी स्वाधीनता स्वतंत्रता क्रमबद्ध है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चल सकता। ये परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। तो ऐसी उसकी स्वाधीनता जानकर उसको हे ही जान, पर स्वभाव है। आ पर स्वभाव, स्व स्वभाव का आश्रय करे वो पर्याय है ही है। स्व का आश्रय करती है, भगवान आत्मा का आश्रय करती है, वो पर्याय पर स्वभाव है ही है। अब देखिए, वो पर्याय ने अनादि काल से शरीर में हूँ ऐसा कहा, तो शरीर के कहने से कहा था। आज यदि मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहती है तो परमात्मा का कहने से कहती है। दोनों ही में स्वाधीन सत है। जब उल्टी परिणाम रही थी, बंद रूप परिणाम रही थी, तो भी वो स्वाधीन सत है, और आज मुक्त भाव रूप परिणाम रही है तो उसमें भी वो स्वाधीन सत है। तू उसमें नहीं आता, परिणाम के अंदर में आना तेरा स्वभाव नहीं है। परिणाम तेरे से अत्यंत अप्रभावित रहते हैं और तू भी परिणाम से अत्यंत अप्रभावित रहता है। ऐसी अनादि अनंत वस्तु है, उस वस्तु को वस्तु स्वभाव से देख, परिपूर्ण वस्तु को परिपूर्णता से देख। तू परमेश्वरी वस्तु है, परमेश्वरी सत्ता है, सदाई भगवान है। प्रभु गुरुदेव श्री इतना भगवान 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 करे और तुझे क्यों महिमा नहीं आती? एक बार देख तो सही प्रभु कि गुरुदेव कहाँ ले चले हैं। ये पर्याय के पीछे कौन सा जहाँ है जहाँ गुरुदेव श्री ले चले हैं, जहाँ खुद विचर रहे हैं वहाँ पे ले चले हैं। स्व स्वभाव का आश्रय करे वो है ही है, ये स्व का आश्रय करती है। ऐसी बात है, कठिन लगे प्रभु क्या हो, शू थाय प्रभु शू करिए, हमें केवी रीते कही है कि वस्तु अन्य रीते है, जेम छे एम कहीए छे, जेम छे एम बताविए छे, ने तू पण जेम छे एम जाण ने मान। तू इस तरह से जान जैसा कहने में आता है। यहाँ तो कहा ना ऊपर में, शुद्ध तत्व के रसिक को तो ऐसा ही कहते हैं। शुद्ध तत्व के जो रसिक है, परमात्मा तत्व के रसिक है, परमात्मा तत्व के प्रेमी जो है, वो तो ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं ऊपर आ गया ना, शुद्ध तत्व का रसिक पुरुषों कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादिकाल से प्रभु राग ने द्वेष ने अज्ञान में निकाला, लेकिन उसकी मुद्दत तो एक समय की है। अनादिकाल से तूने राग द्वेष में समय व्यतीत किया, समय पसार किया, लेकिन उसकी मुद्दत उसकी आयु तो एक समय की है। और ये समय 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 करता अनंत काल गया और रूपांतर हुआ, लेकिन प्रभु वो एक ही समय है। जब वो संसार का रूपांतर होकर शुद्ध दशा प्रकट हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसका आयु भी एक समय है। तब तो किसकी गुणगाथा गाता है जिसका आयु एक समय है उसकी, जो तुझे पकड़ में नहीं आती उसकी, जिसको तू जानना चाहता जान नहीं सकता उसकी, और जो सदा तुझे जानने में आता है, जो सदा तू स्वयं है, जाननहार है, परिपूर्ण है,
उसमें अपनापन क्यों नहीं करता? मोक्ष भी एक समय ही रहता है, द्रव्य त्रिकाल रहता है। देखिए, यदि आप 50वें गाथा का प्रवचन गुरुदेव का एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक की एक बात गुरुदेव श्री ने कितनी बार दोहराई है। भगवान आत्मा उपादेय तत्व है और पर्याय है ही तत्व, एक की एक बात कि तू त्रिकाल रहने वाला परमात्मा है। मोक्ष की पर्याय एक समय, दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय दूसरी, तीसरे समय तीसरी, वो नहीं वो नहीं, वैसी वो नहीं, वैसी 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 खरी लेकिन वो नहीं, ऐसी चीज है। अब समय समय पे जो पलटती है, समय समय पे जो बदलती है, समय समय पे जिसका उत्पाद व्यय होता है, प्रभु वो तू नहीं है, वो तेरी नहीं है, क्यों देखता उसकी ओर? अपने भगवान आत्मा की ओर देखना। ये परिपूर्ण कायम एक रूप रहने वाला तत्व, सदाई परिपूर्ण तत्व तू है प्रभु। हम क्या कहे, कितना कहे, किस तरह से कहे तो तू सुनेगा। हम तो अपने अंतरंग में जाते हैं तो हमको पर्याय दिखती नहीं हमारी दुनिया में। त्रिकाल 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 त्रिकाल, अपरिणामी 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 अपरिणामी, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसके अंदर में, और उससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते। और बाहर ये त्रिकाल को देखने वाली जो पर्याय है, चाहे बंद रूप चाहे संवर रूप चाहे मोक्ष रूप, ये सारी की सारी एक समय की है, उस स्वभाव के अंदर में नहीं पाई जाती, वो पर स्वभाव है, तो उसकी ओर मत देख। दो कारण कहा, एक द्रव्य के आश्रय की अपेक्षा से सभी चार भाव है ही हैं। स्वस्वभाव की अपेक्षा से, त्रिकाली ध्रुव भाव की अपेक्षा से, स्वद्रव्य की आश्रय की अपेक्षा से, आदर करने योग्य की अपेक्षा से, सत्कार करने योग्य की अपेक्षा से, दृष्टि करने योग्य की अपेक्षा से, एकत्व करने योग्य की अपेक्षा से, ये जो चार भाव जो है, उदय भाव, उपसम भाव, स्वयंसम भाव और सायिक भाव, ये चार भाव जो है वो है ही है, है ही है। उसका कारण क्योंकि वो पर स्वभाव है। क्यों है? क्योंकि वो पर स्वभाव है, तेरा स्वभाव ही नहीं है। तू अनादि अनंत तो तेरा स्वभाव भी अनादि अनंत, तू अनादि अनंत तो तेरा लक्षण भी अनादि अनंत, तू अपरिणामी तो तेरा लक्षण भी अपरिणामी, वो तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव परम प्राणामिक भाव है, ये तेरा लक्षण है। और ये जो चार भाव जो है वो पर स्वभाव है, ये दूसरी बात, पर स्वभाव है। उसलिए ही आ गजब बात है, तेओ पर स्वभाव छे अने तेथी ज परद्रव्य छे। पर स्वभाव क्यों है? वो पर स्वभाव है, उसलिए वो परद्रव्य है। ए पर्याय परद्रव्य प्रभु, सुन एक बार बात, तू अपना अस्तित्व पर्याय में देखता है, हम कहते हैं कि वो पर्याय परद्रव्य है। तूने एक क्षण के लिए भी पर्याय को परद्रव्य नहीं माना प्रभु, माने एक बार हमारी बात, ये पर्याय परद्रव्य है। एक पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती, एक पर्याय के अंदर में अनंत गुण पाए नहीं जाते, ये पर्याय का आयु एक समय है, माने किसी भी तरह से मेल नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में अनंत गुण है, पर्याय में वो गुण नहीं है। द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहता, पर्याय सदाई परिणमती पलटती बदलती। द्रव्य में से आनंद आता, पर्याय में से आनंद नहीं आता, माने कहीं पे मेल ही नहीं है। उसलिए कहते हैं कि इसको है, हम उसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर स्वभाव है, और पर स्वभाव होने की वजह से ही परद्रव्य है। तेथी ज परद्रव्य छे, ते उसलिए ही परद्रव्य है। पर्याय में पर्याय का आनंद आता है, पर्याय का आनंद पर्याय में से आता है, द्रव्य में से नहीं आता, लेकिन वो उसका लक्ष्य द्रव्य होता है। मैं परमात्म तत्व हूँ ऐसा लक्ष्य होता है तो पर्याय में आनंद आता है। गुरुदेव को पूछा गया 320वीं गाथा के प्रवचन में कि प्रभु पर्याय में आनंद आता हुआ कहाँ से आता है, तो पर्याय में से आता है।
पर्याय को पर्याय का आनंद आता, द्रव्य का आनंद आ नहीं सकता। और द्रव्य का आनंद आ जाए तो द्रव्य अपरिणामी नहीं रहे, लक्ष्य द्रव्य के ऊपर, आनंद पर्याय में, पर्याय के अंदर में पर्याय का आनंद आता है। पर्याय के अंदर में जैसा द्रव्य है वैसा द्रव्य की रचना होती है, वो पर्याय स्वयं और अपने द्रव्य की रचना करती है। ज्ञान का वैभव ऐसा है कि वो ज्ञान अपने द्रव्य की स्वयं रचना करती है और अपने द्रव्य को भोगती है, अपने द्रव्य को वेदती है, अपरिणामी द्रव्य उसमें नहीं आता। ज्ञान अपने द्रव्य की स्वयं रचना करके त्रिकाली द्रव्य को नहीं लेकिन अपना द्रव्य रचती है और अपना द्रव्य रचकर अपने द्रव्य का अनुभव करती है, उसको कहा जाता है त्रिकाली का अनुभव किया। दर्पण के अंदर में जितने के जितने सारे पदार्थ है वो किसके हैं? वो दर्पण के हैं, वो मोर दीपक विश्व सारा वो दर्पण में कहाँ आया? ज्ञान के अंदर में गायक कहाँ आया? ज्ञान के अंदर में ज्ञान का गायक है, आनंद आता हो ज्ञान का आनंद है, आनंद का आनंद नहीं है। स्वनो आश्रय किया माने किया, पर्याय द्रव्य में चली गई, जो पर्याय पर की ओर झुकी हुई थी वो पर्याय द्रव्य की ओर झुकी तो उसने द्रव्य का आश्रय किया, अवलंबन लिया, ऐसा कहने में आता है। होता कुछ नहीं, पर्याय आज तक ये कहती थी कि शरीर में हूँ, अब ये कहती है कि परमात्मा में हूँ। अब वो परमात्मा में हूँ ऐसा अहम किया, उसको आश्रय लिया, झुकी स्वभाव की ओर, अवलंबन लिया आत्मा का, ऐसा कहने में आता है। होता कुछ नहीं है, वो पर्याय पर्याय में रहती है और द्रव्य द्रव्य में, न द्रव्य पर्याय में आती है न पर्याय द्रव्य में जाता, दोनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान होता नहीं है, क्योंकि वो पर्याय है वो पर स्वभाव है और पर स्वभाव है उसलिए वह परद्रव्य ही है, परद्रव्य ही है, कुछ भी नहीं होता दोनों के बीच में। गुरुदेव श्री को पूछा गया, प्रभु पर्याय तो द्रव्य की ओर झुकती है ना, तो झुकती माने क्या, अवलंबन लेती माने क्या? कि अभी तक वो कहती थी कि शरीर वो मैं हूँ, राग रूप परिणमती थी, अब ये कहती है कि परमात्मा मैं हूँ। जब शरीर मैं हूँ ऐसा कहती थी तो शरीर का अवलंबन लिया, उसलिए रागी द्वेषी होती थी, अब परमात्मा जैसा तत्व है वो मैं हूँ ऐसा कहती है तो उसने द्रव्य का आलंबन लिया, द्रव्य का अवलंबन लेकर द्रव्य की ओर झुकी, ऐसा कहने में आता है। होता कुछ नहीं, पर्याय पर्याय में और द्रव्य द्रव्य में, और पर्याय अपना द्रव्य रचती है, पर्याय की अपनी शक्ति ऐसी है ज्ञान पर्याय की, वो ज्ञान अपना द्रव्य रचती है और अपना द्रव्य की रचना करके अपना द्रव्य को भोगती है। त्रिकाली द्रव्य को वो भोग नहीं सकती क्योंकि त्रिकाली द्रव्य त्रिकाल अभोगता है, त्रिकाल आवेदक है। अब जो त्रिकाल अभोगता है, त्रिकाल आवेदक है, उसको कौन भोगे और कौन वेदे? गजब बात सांभण भी कठिन पड़े, प्रभु तारू स्वरूप एवं छे भाई। अब तुझे सुनने में कठिन लगे तो अलग बात है, लेकिन तेरा स्वरूप ऐसा है, तेरा स्वभाव ऐसा है भाई। अनादि अनंत सनातन चैतन्य नो हिरलो, अनंत गुणना रत्नती भरेलो, सनातन नित्य ध्रुव छे। तू है कैसा? अनादि अनंत सनातन चैतन्य हिरलो, अनंत गुणना रत्नती भरेलो, सनातन नित्य ध्रुव छे। एनी दृष्टि नी अपेक्षाए चार भाव पण हे ही छे, कारण के पर स्वभाव छे। ये केवल ज्ञान पर स्वभाव है, त्रिकाली स्वस्वभाव है। केवल ज्ञान पर स्वभाव है और त्रिकाली स्वस्वभाव है। केवल ज्ञान अवस्तु है और त्रिकाली वस्तु है। केवल ज्ञान को अवस्तु कहा, प्रभु सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन है व्यवहार नहीं का विषय, भेद पड़ता उसके अंदर। और स्वभाव जो है वो अभेद है, एक रूप है, त्रिकाल है, सनातन सत्य है, ध्रुव है। प्रभु कैसी महिमावंत वस्तु तू है, एक बार देख तो सही नाथ। उसकी अपेक्षा से उत्पन्न हुआ भाव परिणाम क्या है? उत्पन्न हुआ भाव है, प्रकट हुआ भाव है, वह तो उत्पन्न हुआ भाव है,
और द्रव्य जो है वो सनातन सत्य है, द्रव्य जो है वो सनातन सत्य है, और पर्याय जो है वो उत्पन्न हुआ भाव है। अब जो उत्पन्न हुआ भाव है वो सत्य की अपेक्षा से असत है। परिणाम परिणाम की अपेक्षा से सत, परिणाम परिणाम की अपेक्षा से वस्तु, परिणाम परिणाम की अपेक्षा से उसका एक समय का आयु मुदत, और त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो असत है, अवस्तु है। तू नहीं है, तेरा नहीं है, तेरे में नहीं है, तेरे कारण नहीं है, कुछ आदान प्रदान उसके बीच में नहीं होता, कर्ता कर्म संबंध भी नहीं, क्योंकि तू अकर्ता स्वभावी है। एक बार तू अकर्ता स्वभावी परमात्मा है ऐसा विश्वास कर प्रभु, एक बार भी तूने हमारी नहीं सुनी, सुन ले प्रभु एक बार, तू परमात्मा तत्व है, तू परम स्वभावी है। द्रव्य है वो सनातन सत्य है, सनातन सत्य, सनातन सत्य, ऐसी बात है। 50वीं गाथा कुनकुन आचार्य देव स्वयं लिखा है ना, तो अर्थकार टीकाकार करते हैं, अब खुद कहते हैं मैं मारा मटे बनावी छे, मैंने तो अपने लिए बनाया है, अब तुझे यदि समझ में आता है, तुझे सही लगता है तो मान, नहीं लगता तो तेरी होनहार, हम क्या कर सकते हैं, मैंने तो अपनी भावना के लिए बनाया, अपने लिए बनाया प्रभु, मारी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ी छे। ये आचार्य भगवान कहता है प्रभु मारी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ी छे, एथी हूँ एम कहूँ छू, मेरी दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ी हो, जब दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ी तब हमने जो देखा वो हम कहते हैं, क्या देखा हमने, कि बंध अने मोक्षनी पर्याय है ही छे। उस द्रव्य के ऊपर में जब दृष्टि पड़ी तो द्रव्य में बंध और मोक्ष की पर्याय नहीं दिखाई दी, इसलिए हम कहते हैं बंध और मोक्ष की पर्याय है ही है, अने तेनु कारण एम कहूँ छू के पर स्वभाव छे, मैं तुझे उसका कारण भी देता हूँ, है क्यों है, क्योंकि वो पर स्वभाव है और उस लिए ही पर द्रव्य है, अपने लिए बनाया है, मेरी दृष्टि अपने द्रव्य पर गई है, द्रव्य पर गई इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि वो दोनों पर्याय है ही है क्यों है, कि दोनों पर स्वभाव है, पर स्वभाव क्यों है, पर स्वभाव है उसलिए ही वो पर द्रव्य है। प्रभु पर द्रव्य नहीं अद्रव्य है, एक बार तो ऐसा मान ना था। प्रभु कठिन पड़े तो भी बात तो यह है, और इसके अंदर में देखिए कठिनाई की कोई बात नहीं है, सच में देखा जाए तो अपने को दोनों का स्वभाव समझ में आता है, दोनों की व्यवस्था समझ में आती है, स्वभाव दोनों की भिन्नता समझ में आती है। अब जो दोनों की स्वभाव भिन्नता है तो उसका मेल कैसे हुआ, वो पर्याय पर्याय रूप रहता, द्रव्य द्रव्य रूप रहता, द्रव्य को पर्याय के साथ क्या संबंध, पर्याय को द्रव्य के साथ क्या संबंध, यदि संबंध कहा जाए तो संयोग संबंध कह सकते हो, और कोई संबंध है ही नहीं हो दोनों के बीच में, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई भी प्रकार का संबंध है ही नहीं उसके बीच में, पर प्रभु तू संबंध खुजते, फिर तू संबंध तो नहीं, तू अपना अस्तित्व मानता उसको, जबकि वो पर स्वभाव है और पर द्रव्य है, और पर द्रव्य का पर स्वभाव उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। टीकाकार कहते हैं कि मैंने अपने लिए बनाया प्रभु, मेरी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ी है, उसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि बंध और मोक्ष की पर्याय है ही है, और उसका कारण ऐसा कहता हूँ कि वो पर स्वभाव है का कारण मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वो पर स्वभाव है और उसलिए ही वह पर द्रव्य है, पर स्वभाव है उसलिए ही पर द्रव्य है, पर स्वभाव उसलिए पर द्रव्य है। मेरा त्रिकाल स्वभाव है उसके साथ में उसका स्वभाव का कोई मेल नहीं है, अब मेल नहीं है तो पर स्वभाव है, अब पर स्वभाव है तो पर द्रव्य है, सीधी सादी बात है, लॉजिक तो हम दे रहे हैं
कि वो स्वभाव का कोई मेल नहीं, मैं त्रिकाली सनातन सत्य वस्तु और वो एक समय वाली वस्तु, मैं त्रिकाल नित्य वस्तु वो अनित्य वस्तु, मैं ध्रुव वस्तु वो क्षणिक वस्तु, मैं एक रूप रहने वाली वस्तु वो पलटने बदलने वाली वस्तु, मैं टिकने वाली वस्तु और टलने वाली वस्तु, कोई मेल ही नहीं है दोनों के बीच में, उसलिए वो पर स्वभाव है और पर स्वभाव उसलिए ही पर द्रव्य है। आहा, पर की साथ तो संबंध नहीं, अपनी ही पर्याय की बात है, पर के साथ तो कोई संबंध नहीं लेकिन अपनी ही पर्याय की बात है, बंद और मोक्ष की पर्याय अपनी पर्याय की बात है, वह पर द्रव्य है। प्रभु हमको पता हम क्या कहते हैं, हम अपनी पर्याय की बात करते हैं, दूसरे द्रव्यों की तो चर्चा ही नहीं करते हैं। हम जो अपनी पर्याय है, जो बंध और मोक्ष की पर्याय, उसको हम परद्रव्य कहते हैं। माने हम शुद्धि बुद्धि में बात तुझे बताते हैं, ये पागलपन की बात नहीं है। अपने द्रव्य के ऊपर हमारी दृष्टि गई है, उसमें हम जमे हैं, उसमें हम जम रहे हैं, जिम रहे हैं, उससे बाहर निकलने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता, फिर भी बाहर निकल आए तो तेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, ये दोनों ही पर्याय है ही है, क्योंकि वो पर स्वभाव है, उसलिए वह परद्रव्य ही है। ये बात हम जो कहते हैं तू मान प्रभु, एक बार विश्वास कर हमेरा, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो जैसा अपना स्वभाव देखा है वैसा तेरा स्वभाव बतलाते हैं। हाँ, क्यों क्यों परद्रव्य क्यों है, तो उसका भी कारण देते हैं। जिससे परद्रव्य में से आनंद की नई निर्मल पर्याय नहीं आती, जिससे परद्रव्य में से आनंद की नई निर्मल पर्याय नहीं आती, और पर्याय मोक्ष की पर्याय हो तो भी उसमें से आनंद की नई पर्याय नहीं आती। छे परद्रव्यमांथी आनंदनी नवी निर्मल पर्याय आवती नथी, तेम पर्याय मोक्षनी पर्याय होय तो पण एमांथी आनंदनी नवी पर्यायमांथी नथी आवती। मोक्ष की एक समय की पर्याय हो, उस पर्याय के लक्ष्य से दूसरी मोक्ष की पर्याय, दूसरी आनंद की पर्याय नहीं आती। गजब बात छे, भाग्यवान ने काने पड़े ऊ छे, ये बात जिसको कान पे पड़ती वो भाग्यवान है। गुरुदेव श्री कहते हैं, राग तो दुखदायक है, वो तो संसार है, वो तो एक समय की अवस्था पलट कर मोक्ष होता है, वो भी समय की अवस्था भी एक समय की ही है। क्यों? कि त्रिकाली की अपेक्षा से एक समय की है, तेथी त्रिकाली की अपेक्षा से है ही है, उसलिए त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से पर स्वभाव है, और उसलिए ही है के कारण पर स्वभाव है, इसलिए ही पर द्रव्य है। राग की स्थापना की, राग की पर्याय पलट कर मोक्ष की पर्याय हुई, राग की पर्याय एक समय की, यानी कि तू जिसे अनादिकाल का संसार कहते हैं, हम यह कहते हैं कि वो संसार एक समय का अनादि का है ही नहीं, एक एक समय का संसार है, तो इसको टूटने में क्या समय लग सकता है, एक समय लगे, एक समय का संसार एक समय में समाप्त हो। तो ऐसा लगता है कि अनादिकाल के हमारे ये संस्कार चले आए तो उसको तोड़ने में भी अनंत समय लगे, ऐसा नहीं है। मिथ्या तो एक समय का, ये शरीर में उसके बदले परमात्मा में टूट गया, उसमें क्या समय लग सकता है, इतना ही सरल है। एक कहने में जितनी सरलता से कहा जाता है, अनुभूति उतनी ही सरल है, लेकिन मान तू एक बार इस बात को, मान प्रभु, तू मानता नहीं है, सुनता नहीं है हमारी। जिनवाणी कहती है, जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तू मेरी बात नहीं सुनता, तू अपनी मत सुना मेरे को पता तू क्या कहेगा, हम जो कहते हैं वो सुन, तुझे हमें सुनाने की आदत पड़ी है, हमें पता है, और सुन भी लेते हैं दो घंटे की तेरी पूजा, अब हम जो कहते हैं वो सुन। क्या कहते हैं कि वो एक समय की बंध की जो संसार की दुखदायक जो अवस्था है, वो एक समय में पलट कर मोक्ष होता है, और मोक्ष की अवस्था भी एक समय की है। एक समय की क्यों? क्योंकि त्रिकाली की अपेक्षा से, त्रिकाली भगवान की अपेक्षा से उसका आयु एक समय है,
अब त्रिकाली की अपेक्षा से वो है ही है, जब त्रिकाली परिपूर्ण सनातन सत्य है तो उसकी अपेक्षा से वो यही है। उसलिए त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से पर स्वभाव है, और पर स्वभाव है उसलिए है के कारण पर स्वभाव है। जब वो है ही है तो है के कारण वो पर स्वभाव है, उसलिए ही परद्रव्य है। अपनी केवल ज्ञान पर्याय सिद्ध पर्याय अनंत चतुष्टय बाहर प्रकटेला शक्ति में जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य था, ये पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, फिर भी कहते हैं ये तो परद्रव्य है। अपना जैसा स्वभाव था ऐसा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट हुआ, फिर भी कहते हैं जो प्रकट हुई सो परद्रव्य, जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट हुआ सो परद्रव्य। जो प्रकट होता है वो सदा ही परद्रव्य, और जो प्रकट है वो सदा ही स्वद्रव्य। ऐसा स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग जान प्रभु तू। ये टंकोत्कीर्ण कर ले, जो प्रकट है सो स्वद्रव्य और जो प्रकट होता है वो परद्रव्य। पर्याय प्रकट होती है, संसार की पर्याय थी प्रकट, मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई तो प्रकट हुई ना, नई हुई ना, नई थी वो हुई ना, तो जो प्रत्येक समय नई नई उत्पन्न होती है वो परद्रव्य, और जो सदाई विद्यमान है त्रिकाल सनातन सत्य ध्रुव परमात्मा सदाई विराजमान है वो स्वद्रव्य। पर्याय परद्रव्य, पर्याय परद्रव्य, परद्रव्य और परद्रव्य प्रभु सुन ले प्रभु एक बार। तुझे अच्छा लगे बुरा लगे तेरे परिणाम तुझे मुबारक, लेकिन हम तो यह कहते हैं कि परिणाम मात्र परद्रव्य है, क्योंकि वो पर स्वभाव है, क्योंकि वो है ही है, क्योंकि उसका आयु एक समय का है, क्योंकि वो त्रिकाल में पाए नहीं जाते, त्रिकाल एक रूप रहने वाला सनातन सत्य वस्तु है, चिदानंद चैतन्य प्रभु है, ज्ञानानंद अपरिणामी है, ऐसा भगवान आत्मा तू है। अपनी केवल ज्ञान की पर्याय है ना, पोतानी केवल ज्ञान पर्याय सिद्ध पर्याय अनंत चतुष्टय बार प्रकटेला शक्तिमा, जे अनंत ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर्य तू ए पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट थया, छता कहे छे के तो परद्रव्य छे, केम के एमांथी नवी पर्याय आवती नथी। परद्रव्य क्यों है? क्योंकि उसमें से नई पर्याय नहीं आती। आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद के लक्ष्य से फिर आनंद नहीं आता, वो आनंद के लक्ष्य से दुख होता है। तो अपनी चीज कैसे हो? अपनी चीज तो ऐसी होती है कि लक्ष्य किया करे तो आनंद निकला करे उसमें से। वस्तु की दृष्टि हो द्रव्य की दृष्टि हो तो आनंद बहते रहता है। जिम पर द्रव्य में से आनंद की नई पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से नई आनंद की पर्याय नहीं आती। आनंद की पर्याय भगवान त्रिलोकनाथ माथी आवे छे। ये भगवान त्रिलोकनाथ आनंद की जो मूर्ति है उसके लक्ष्य से उसकी दृष्टि मात्र से मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि मात्र से उसमें से आनंद आते रहता है। जेमाथी आनंद आनंद नी पर्याय आवे इन्हें हमें स्वद्रव्य कहिए छे। जिस पर्याय के लक्ष्य से आनंद की पर्याय नहीं आती उसके हम परद्रव्य कहते हैं। जिसके लक्ष्य मात्र से मैं हूँ ऐसा लक्ष्य मैं हूँ ऐसा विश्वास उससे आनंद जिससे बहता रहता है उसको हम स्वद्रव्य कहते हैं। और जिस पर्याय के लक्ष्य से आनंद की नई पर्याय नहीं आती उसे हम परद्रव्य कहते हैं। जिस पर्याय में से नई आनंद की पर्याय न आवे उसे हमें स्वद्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य कहते हैं। इस स्वद्रव्य और परद्रव्य की परिभाषा भी अजब गजब की है। प्रभु सुन एक बार, नाथ तू कैसा है? प्रभु तेरा परमात्मापना इतना विशाल है, इतना विशाल है कि अनंत काल तक केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय बहती रहे बहती रहे बहती रहे, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो वो सादी अनंत काल मोक्ष दशा में रहेगा। प्रत्येक समय मोक्ष की नई पर्याय उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन जिसका एक कण भी कम न हो ऐसी वस्तु तू है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। प्रभु तूने अपने आप को इस स्वभाव से कभी नहीं देखा, देख तू कैसी महान वस्तु है, परमात्मा वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, ऐसी तू लोखंडी चट्टान है। बाबूजी कहते हैं ना, मैं ऐसी लोखंडी चट्टान हूँ,
कि जिसके पैर को चुम चुम के अनंती केवल ज्ञान की पर्याय निकले, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसी वस्तु, ऐसी परमात्मा वस्तु में हो। प्रभु देख एक बार अपने परमात्मा वस्तु को, अपने स्वभाव वस्तु को, परिपूर्ण वस्तु को प्रभु एक बार देख नाथ। क्या तेरा वैभव, क्या तेरा स्वभाव, कैसा तू वैभववान, जिसकी गुण गाथा अनंत तीर्थंकरों की अनंत ओम ध्वनि गा नहीं सकती, गाए भी कैसे। गुरुदेव के दुश्मन के द्वारा अपना गुणगान गाने का कहे तो कितना गुणगान करें। वो वाणी जो है वो तो दुश्मन है, जड़ है, पुद्गल है, और तू चेतन है। अब पुद्गल चेतन की व्याख्या करे तो कितनी करे आता। फिर भी उसमें जितना स्वभाव बतलाया गया उसको यदि तू एक बार समझ ले तो तेरा महाकल्याण है। अभी 50वीं गाथा का गुरुदेव श्री का प्रथम प्रवचन पूरा हुआ, अभी दूसरा प्रवचन, तीन प्रवचन है इस गाथा के ऊपर में। झीणो अधिकार छे, मूल अधिकार छे, परमात्मा सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देवना अंतरना पेटनी वात छे। सूक्ष्म अधिकार है, सूक्ष्म इतना ही नहीं मूल अधिकार है। परमात्मा सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देव के अंतर के पेट की बात है, जो अनादि काल का सनातन धर्म क्या है वो बात है। टीका, यह हे उपादेय छांडवा योग्य आदरवा योग्य अथवा त्याग ग्रहण का स्वरूप का कथन है। त्याग का एवं ग्रहण का अथवा हे का, छोड़ने का और आदर करने का, ये अधिकार इसमें है। ये अधिकार है, कौन सा अधिकार, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। जे कोई विभाव गुण पर्यायी छे, आखरी वाच छे, आत्मा में चार प्रकार की पर्याय थाय छे। एक दयादान व्रत भक्ति नो उदय भाव अने एनो उपसम भाव, राग नो उपसम ठरवो, एक सेवपसम भाव, एक साईक भाव। ये चार भाव आत्मद्रव्यनी चार पर्याय छे, आत्मद्रव्यनी चार अवस्था छे। ये कहे छे के जे कोई विभाव गुण पर्यायो छे, जे कोई विभाव गुण पर्यायो छे, ये चार पर्याय। आ फिर से गुरुदेव कहते आखिरी बात छे, क्योंकि तू मानता नहीं है ना। अब क्या करें ना, अब उनको भी पता चलता है मैं एक के एक बात दोहराता हूँ और इसको गले पड़ती नहीं है, पल्ले नहीं पड़ती इसकी बात। इसलिए कहते प्रभु आखिरी बात छे, प्रभु कठिन बात छे, प्रभु सूक्ष्म बात छे, प्रभु मूल बात छे, तारा हितनी बात छे, तारू अहित केम मटे अने हित केम थाय ये बात अमे करीए छे प्रभु, सांभळ नाथ एक वार सांभळ तू प्रभु। अब पूर्व 49वीं गाथा में व्यवहार ने के कथन द्वारा उपादेय जिसको कहने में आया था, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं के बल से, शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, अंतर का आत्म स्वभाव की शक्ति के बल से। शुद्ध नहीं के बल से माने क्या, अंतर का आत्म स्वभाव की शक्ति के बल से, अथवा शुद्ध चैतन्य को प्राप्त करने के बल से, ये चार पर्याय है ही है। उदय भाव तो है ही, दयादान व्रत भक्ति पूजा ये सब राग तो बंध का कारण है ही, लेकिन उसका उपशम ना, पानी में जैसे मैल नीचे बैठ जाए और पानी शीतल हो जाता है, ऐसे विकार का मैल नीचे बैठ जाए और उपशम हो जाए, वो उपशम भाव भी यहाँ पे तो है ही है, त्यागने योग्य है ही है, वो त्यागने योग्य है। पानी में मैलापन हो, मिट्टी हो और वो नीचे बैठ जाए तो उसको उपशम कहते हैं। जब मैला है तो उदय भाव, और मैल बैठ गया तो उपशम भाव, ये दोनों ही है ही है। जिसने आत्मज्ञान प्रथम सम्यक दर्शन, जिसको आत्मज्ञान प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की प्रथम सीढ़ी, अनंत काल में नहीं बनी हुई अपूर्व ऐसी दृष्टि करनी हो, ये गुरुदेव श्री के शब्दों में पढ़ो,
जिन्हें आत्मज्ञान प्रथम सम्यक दर्शन, प्रथम पहली बार सम्यक दर्शन, धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनी पहली श्रेणी, अनंत काल में नहीं बनेली अपूर्व, अनंत काल में नहीं बनेली अपूर्व एवी दृष्टि करवी होय। अनंत काल में जिस परमात्म तत्व की दृष्टि नहीं की उसकी दृष्टि करनी हो, प्रथम बार अनंत काल में प्रथम बार पहली बार धर्म की पहली श्रेणी पहली सीढ़ी प्रकट करनी हो, उसे उदय भाव, उपसम भाव और ज्ञान में स्वयंसम उगाड़ भाव और कहीं विघ्न और केवल ज्ञान आदि साईक भाव के साईक समकित आदि ये चार भाव व्यवहार नैना कथन द्वारा उपादेयपणे कहेवामां आव्या हता, परंतु शुद्ध निश्चयना बड़े तेवो हेय छे। व्यवहार नहीं के बल से प्रकट करने की अपेक्षा से जिस उपसम स्वयंसम और साईक को उपादेय कहा गया था वो शुद्ध निश्चय नहीं के बल से, शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से वो चार भाव ही है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अनंत काल में तुझे जिस तत्व की अपूर्व दृष्टि नहीं हुई उसकी यदि अपूर्व दृष्टि करनी हो तो, अब अनादिकाल से नहीं हुई लेकिन आज यदि तुझे करनी है तो करनी है तो सबसे पहले प्रथम में प्रथम बात प्रथम सीढ़ी क्या है सम्यक दर्शन की, प्रथम श्रेणी क्या है सम्यक दर्शन की, कि चार भाव को तू है ही जान, उदय उपसम स्वयंसम अक्षयी चार भाव को तू है ही जान, वो है ही है, तू है ही कर नहीं कर ये अलग बात है लेकिन वो चार भाव है ही है, शुद्ध निश्चय नहीं के बल से, शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, सत्यार्थ दृष्टि से चार भाव है ही है, क्योंकि शुद्ध नहीं में ये नहीं समाते, परमार्थ दृष्टि में ये नहीं समाते, उसलिए है ही है। तब जो है ही है उसको है ही जा। आखिरी वाच है 50वीं गाथा, काले तो खूब चाली हो तुम समझाने का, अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा हो गया कल चला था तो चलेगा अभी। गुरुदेव की ताकत जो है वो सहज निकलती है और ऐसा स्पष्टीकरण करते हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री की उपस्थिति में 50वीं गाथा, जब गुरुदेव श्री का यह प्रवचन हुआ था तब जिसने सुना होगा उसको पता होगा कि तीसरे प्रवचन के समय गुरुदेव जब गद्दी पे बैठे तब ये कहकर बैठे थे कि भगवान कहीं पे गुरुदेव श्री को मुंझवण थी कि भगवान आजे तारे जे के वो ही कही देजे, मारी लाज बचावी लेजे, जेवो अंतरंग में भासे छे वो तू कही देजे, और ऐसा आ गया। अब क्या आया था वो तीसरा प्रवचन कहेगा। अभी अपन तो यहाँ पे जो बात है गजब की बात, गुरुदेव श्री जैसा निखालस पुरुष इस विश्व में मिलना मुश्किल, सरलता की चरम सीमा, बालक हृदय, बिल्कुल बालक हृदय, और जब अपनी मस्ती में मस्त हो तब भी भगवान को कह दे कि आज मेरे को कुछ कहने का विकल्प नहीं है, तुझे जो कहना है वो कह दे, और वाणी जैसे ओम ध्वनि बहती है ऐसे ओम ध्वनि निकलती गुरुदेव, ऐसा युग पुरुष अपने को मिला, अध्यात्म क्रांति का दृष्टा और अध्यात्म क्रांति के सृष्टा, सम्यक दर्शन के आविष्कारता पूज्य गुरुदेव श्री अपन को मिले, अपन समझे वो कहाँ से कितनी करुणा से बात करते हैं कि जी भैया तुझे सम्यक दर्शन करना है तो चार भाव है वो है ही है, क्यों है ही है, क्यों पर स्वभाव है, उसलिए ही पर द्रव्य, सीधी सी बात है, क्योंकि त्रिकाल स्वभाव के साथ में उसका कोई मेल नहीं है। अब जिसका मेल नहीं है उसको क्या अपना कहे ना पराया कहे, अपना बेटा अपनी बात नहीं सुनता तो अपना होने से भी पराया कह देते हैं, नहीं सुनता मेरी। अब कहते पर्याय के साथ तो कोई मेल ही नहीं है द्रव्य का,
उसे कैसे अपना कहें। इसलिए हम उसको हे ही कहकर, पर स्वभाव कहकर, पर द्रव्य कहते हैं। सही में चार भाव पर द्रव्य है और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वद्रव्य है, वो मैं हूँ, ऐसा अपना अस्तित्व है, ऐसा अपना होआपना है। और थवापणु नथी आपणामां प्रभु, ये होआपणु जे छे सदा एक रूप छे, ये परमात्म तत्व हूँ छू, एवं ज्ञान अने एवं श्रद्धा सब कोई ना अंतरंग में सहज मात्र में हो, एवी मंगल भावना।